फिक्स टाइम है, परमेश्वर का एक समय है, हर एक काम को करने का परमेश्वर एक समय है, परमेश्वर का प्रार्थना का उत्तर देने का भी एक समय है। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, अब्राहम की प्रार्थना को उसने सुन लिया है, सारा की प्रार्थना को उसने सुन लिया है, उनको उसने प्रॉमिस भी कर दिया है, परंतु वो प्रॉमिस पूरा कब होगा? उसके नियत समय में, अपॉइंटेड टाइम में, जो टाइम उसने फिक्स किया होगा उसी टाइम पर वो बच्चा होगा। ऐसे ही हमारे जीवनों में होता है, हम बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सी बातों के लिए हम परेशान होते हैं, हम जब कठिन समयों से गुजर रहे होते हैं, परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, दुखों से, संकटों से, ये फिर बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, उस समय हमारे मन में ये सवाल आता है कि परमेश्वर के लिए शायद ये बात कठिन है, शायद परमेश्वर इस काम को मेरे जीवन में नहीं करना चाहता, शायद परमेश्वर को मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है, शायद परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर चाहता है आपकी प्रार्थना का उत्तर देना, परमेश्वर चाहता है आपको उस दुख, बीमारी, परेशानी से बाहर निकालना, परंतु उसका एक अपना समय है और हमें उस समय तक धीरज रखना होगा, हमें उस समय का इंतजार करना होगा जब परमेश्वर हमें उस मुसीबत, उस परेशानी, उस दिक्कत से बाहर निकालेगा, उस विपत्ति, उस कठिन समय से बाहर निकालेगा, हमें उस समय का इंतजार करना होगा। उन्होंने सारा के लिए वही कहा कि ठीक नियत समय में ही, बसंत ऋतु में, आने वाले दिनों में, नियत समय, फिक्स टाइम पर ही तेरा बच्चा होगा, उससे पहले नहीं होगा और उससे बाद में भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने का टाइम होता है, 9 महीने का टाइम होता है। यदि 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो गया तो उसे प्री मैच्योर कहते हैं, मतलब वो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, और अगर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो वो बहुत ज्यादा विकसित हो चुका होता है। दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम है। एक समय है, एक निश्चित टाइम है जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होगा, परमेश्वर ने उस टाइम को नियुक्त किया है, फिक्स किया है कि 9 महीने का टाइम वो बच्चा लेगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जिस प्रकार बच्चे होने का एक टाइम फिक्स है 9 मंथ, उसी प्रकार से प्रार्थनाओं का उत्तर देने का उसका एक समय है, परिस्थितियों से हमें बाहर निकालने का उसका एक समय है, कठिन समयों से हमें बाहर निकालने का उसका एक टाइम है। सारा को कह रहा है नियत समय में ही तेरा बच्चा होगा। मेरे प्रियो, आज चाहे हम बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम अपने दुखों से, परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर से उन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और शायद उन प्रार्थनाओं का अभी तक उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। नहीं, परमेश्वर का एक समय है और वो सही समय पर हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर देगा और वो बहुत ही अच्छा होगा आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए। वो सही समय पर आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, वो सही समय पर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। विशेषकर हम धन्यवाद ही करते हैं प्रभु कि तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, परंतु आप नियत समय में, आप ठहराए गए समय में ही काम करते हैं प्रभु जी। पिता, तुझसे प्रार्थना है जो लोग अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आने के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी, आप उनकी दुआओं को सुने प्रभु, उनको उस दुख, मुसीबत, परेशानी से, उस कठिन समय से प्रभु आप उन्हें बाहर लेकर आए प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें प्रभु, और सही समय पर प्रभु सही काम उनके जीवन में आप दिखाएं प्रभु और उनके जीवन में आप करें प्रभु। उन सब भाई बहनों को हम तेरे हाथों में देते हैं जिन्होंने प्रार्थना की और उनका विश्वास कम हो गया प्रभु, तुझसे प्रार्थना है कि फिर से उनके विश्वास को आप मजबूत करें ताकि वो उस समय का इंतजार कर सकें प्रभु जब आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, जब आप उनको उन कठिन समयों से बाहर निकालेंगे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।